नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथिली फैशन में। आज हम आपको बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा अस्तर है, ये मेन कपड़ा है, ये हमने ब्लाउज की लंबाई 14 इंच ली है, तैयारी 13.5 इंच रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। ब्लाउज की चौड़ाई 34 इंच है, चौथाई भाग हमने 8.5 इंच ले लिए हैं। आर्म होल की गोलाई हमने 6 इंच लिए हैं। शोल्डर 6 इंच है। अब हमें निशान लगाना है। यहाँ हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने सीधी लकीर खींच लिए हैं। इसको यहाँ से, ये आर्म का कोना है, यहाँ तक हमें सीधी लकीर खींच लेनी है इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। ये हमें सिलाई करने के टाइम पे कटिंग करना है। अब जो मेन गला कटिंग होगा तो वो हमें बकरम पे कटिंग करना है। ये हमने बकरम ले लिया है, बकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बकरम की लंबाई 11.5 इंच है, चौड़ाई 4.25 इंच है। यहाँ हमें 1/2 इंच किनारे से निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 9.25 इंच पे निशान लगा लेना है। इसकी सीधी लकीर खींच लेंगे। यहाँ हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। नीचे भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसकी सीधी लकीर खींच लेनी है। अब हमें गले का शेप दे देना है। ये हमने इस तरीके से गले का शेप दे दिए हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इसको यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देनी है। इसको यहाँ से इस तरीके से हमें गोलाई में ले लेना है। अब हमें कटिंग कर लेनी है। इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब इसे हमें अस्तर पे पेस्ट कर लेना है। ये हमने बकरम को अस्तर पे पेस्ट कर लिए हैं। ये हमारा अस्तर है। ये जो हमने निशान लगा लिए हैं, इसके दोनों साइड निशान लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। इसके ऊपर मेन कपड़ा रख लेंगे इस तरीके से। इसे हमें पिन से अटैच कर लेना है, मेन कपड़े और अस्तर को। ये हमने पिन के सहायता से मेन कपड़े और अस्तर को अटैच कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर मिला लेंगे। अब सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये हमने सेंटर में निशान लगा लिए हैं। अब इस गले पट्टी में भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब दोनों सेंटर को आमने सामने रखते हुए सीधी सिलाई में कर लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई कर ली है। अब इस किनारे से सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। अब इसको पलट लिए हैं। इस पे हमें सिलाई कर लेनी है, कच्ची सिलाई।
ये हमने इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कटिंग कर लेंगे। अब इस किनारे से हम कट कर लेंगे। ये हमने किनारे से कट कर लिया। अब इसको पलट लेंगे, इसको पलट लेंगे इस तरीके से। इसके किनारे से कच्ची सिलाई कर लेंगे। ये हमने कच्ची सिलाई गले के ऊपर कर ली है। अब इसके चारों साइड सिलाई कर लेंगे। ये हमने इसके चारों साइड सिलाई कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा निशान है इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये जो कपड़ा है इसे हटा लेंगे। अब इसमें हमें पट्टी लगाना है, तो इसके लिए ये हमने अस्तर ले लिए हैं। इसको इस तरीके से रखेंगे, इसको पलट लेंगे, इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से बीच के कपड़े को कटिंग कर लिया। अब किनारे से कट कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे। अब इसको पलट के हमें कच्ची सिलाई कर लेनी है। ये हमने इस तरीके से कच्ची सिलाई कर ली। अब इसके ऊपर पाइपिंग सेट कर लेना है। तो ये हमारा पाइपिंग का कपड़ा है। इसको इस तरीके से रखेंगे। ये हमने इस तरीके से पाइपिंग सेट कर लिए हैं। अब हमें गले में सेट कर लेना है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी हमें सेट कर लेना है पाइपिंग। ये हमने इस तरीके से दोनों पल्ले में सेट कर लिए हैं पाइपिंग। अब इसे सेट कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से दोनों पल्ले सेट कर लिए हैं। यहाँ पे आप मोती डाल सकते हैं या फिर लटकन डाल सकते हैं और नीचे भी यहाँ पे आप रिबन बना के डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।